Hey guys, welcome back to Blessings channel. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की टॉपिक का रीडिंग है वही आपके सोलमेट कौन है. ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट योर सोलमेट, कौन है, कहाँ है, कैसे मिलोगे, ये वो सब कुछ, ठीक है. सो बाकी की डिटेल्स आपको रीडिंग पे बताती हूँ. अपना ग्रुप चूज़ कर लेंगे आप, ठीक है. ग्रुप वन ये, ग्रुप टू ये, आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग है. आपका जो ऑफिशियल नेम है, जो कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा होता है, आपके आइडेंटिटी कार्ड पर है, ठीक है, वो नेम, आपका नेम इनिशियल अपना चूज़ कर लीजिए ग्रुप. तो अपना मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलती हूँ. टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ग्रुप वन आपके नेम इनिशियल से है. लेट्स सी आपका सोलमेट कौन है, व्हाट आर द डिटेल्स अबाउट योर सोलमेट. ओके, जजमेंट गाइस, काफ़ी यू नो तीन चार इस पर डिटेल्स है, मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है. पहले हम देखेंगे है कौन ये. जजमेंट सन, फाइव ऑफ वांड्स. गाइस, आपका सोलमेट वो है कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज कभी आएगा, पता नहीं अभी है आज आप उससे गुजरे हो या नहीं गुजरे, बहरहाल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज आएगा जब आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स मैक्सिमम पर पहुँचे हुए होंगे. बहुत ज़्यादा अपने आप से झगड़ा या किसी और से झगड़ा, कुछ ना कुछ आपकी लड़ाई में पूरा ज़रूर हो रहा होगा. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी किसी से लड़ाई होगी, किसी से फैमिली से बनती नहीं होगी, या कोई करियर में प्रॉब्लम है, या ये है या वो है, जो भी है, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा बिल्कुल एक सन बन के. जैसे एक सुबह होती है, एक सुबह होती है, एक बिल्कुल सन लाइट निकलती है, सवेरा होता है, उस तरह से इंसान फिर आपकी लाइफ में आएगा. और ये आपका डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि ये आपके अपने कर्मों का फल है, बिकॉज आपका इनर सेल्फ अच्छा है, आप एक अच्छे इंसान हो, इसलिए आपको भगवान या खुदा या डिवाइन, जो भी है आप जिसको मानते हो, ये आपको देंगे, ठीक है. लेट्स सी आप कैसे मिलेंगे, आप एंड आपके सोलमेट कैसे मिलेंगे. बहुत जल्दी है इनको आपसे मिलने की. मून प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स. गाइज, आप ऐसे मिलेंगे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि रात का समय है, और रात का समय है ये आपको पर्सन मिलेगा जब आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी डे उधर हैं, लाइक किसी पार्क में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में ये कहीं पर बैठे हो आप, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू ये उसको जानते होंगे तो मिलेंगे, ठीक है. और दूसरी यहाँ पर ह्यूज एनर्जी है इंटरनेट की थ्रू एयर, क्योंकि यहाँ पर सोर्स है, सोर्स इज़ ऑल अबाउट एयर, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. सो मतलब थ्रू एयर, थ्रू यू नो ये जो हमारी रेडिएशंस हैं, रेडियो रेडिएशंस एंड इंफ्रा रेडियो, वो सब चीज़ें, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू ज़रूर मिलेंगे, ठीक है. एक तो यहाँ पर इंटरनेट की वाइब है, दूसरा ये आपको किसी फ्रेंड के थ्रू, आप कहीं पर बैठे होंगे, कहीं पर यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स, ये वहाँ पर पॉसिबल है, ये उसी रेस्टोरेंट में ये भी बैठे हों, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपके किसी फ्रेंड को जानता हो तो ये आपसे तब मिलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कब मिलेंगे ये आपको, ठीक है. कब मिलेंगे जी. ओके, प्रिंसेस ऑफ कप, बहुत सारी प्रिंसेस की एनर्जी आ रही है यहाँ. नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स. कब
मिलेंगे। सब नाइट की सब प्रिंसेस की एनर्जी है गाइस, हाँ थोड़ी देर रुक जाएं, ठीक है, थोड़े मैच्योर हो जाएं, थोड़े से और बड़े हो जाएं। एंड आपने अगर अपने फिनेंसिस पर काम नहीं किया, ये भी कर रहे हैं अभी, ठीक है, स्टडी कर रहे हैं ये, या फिर ये अभी नई नई कहीं जॉब लगी है इनकी, उसमें ये भी बिज़ी है, ठीक है, लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो भी एक न्यू, दिस विल बी अ न्यू लव, एब्सोल्युटली न्यू लव। ये हो सकता है कि आपको ये भी मिल चुके हों या आप इनको जानते हों, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स बोथ हेयर। चाहे आप कुछ लोगों के केस में आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आपका बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है लव में हो, लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपको अभी थोड़ा सा और काम कर लें, थोड़ी देर रुक जाएं, डेफिनेटली ये इंसान आप ही का है, आपके पास ही आएगा, ठीक है। चलिए इनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स वगैरह देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है। आप पर्सनालिटी है जी इनकी, ओ माय गॉड स्टार पर्सनैलिटी है, स्टार पर्सनैलिटी है एस ऑफ कप्स, एंड पर्सनैलिटी है जी, स्टार पर्सनैलिटी है व्हील ऑफ फॉर्चून। पहली बात है गाइस डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पे आप मिलेंगे। इनकी पर्सनैलिटी ये भी ऐसी है, ये भी यू नो डिवाइन के किए पे बिलीव करते हैं, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भगवान ने लिखा है, जो खुदा ने अल्लाह ने लिखा है, वही सब कुछ होगा, ठीक है। इज़ अ स्टॉन्च बिलीवर, पॉसिबल है थोड़ा धार्मिक हो सकता है, थोड़ा ये इंसान मस भी हो सकता है, थोड़ा ये मतलब इसको मतलब होते हैं ना कि डिवाइन पे बिलीव करने वाले के जो करेगा डिवाइन वही ठीक है, कुछ इस तरह के हैं, या ये योगी या कुछ है अंदर रिलीजन के साथ कोई मसला, ठीक है, मसला नहीं है, आई मीन थोड़ा कनेक्शन है तो, लेकिन ये है कि एस ऑफ कप्स के साथ टू मच लविंग, टू मच खुश रखने वाला, ये खुद भी खुश हैं रहते हैं, एंड इनको भी लाइफ में कोई न्यू लव चाहिए, इनको भी लाइफ में सोलमेट ही चाहिए, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। एंड यू नो ये इंसान जब आपको मिलेगा, आपको फोन प्रपोज कर देगा, आपको कह देगा मेरे से मैंने आपसे शादी करी है, दैट्स इट, ये देर नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये इंसान किसी सोशल मीडिया पे हो सकता है काम करता हो, या इनका कोई इंटरनेट से कनेक्शन है, अगेन इंटरनेट का कनेक्शन आया है, एंड या दिस इज़ द थिंग ओवर हियर, ठीक है। प्रोफेशन देख लें हम, प्रोफेशन मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन फिर लेट्स सी, ओह माय गॉड टू मच बिजी पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल्स प्रोफेशन में आए हैं, प्रोफेशन फोर ऑफ सोर्स गाइस, दो प्रोफेशन है, लेकिन जो भी प्रोफेशन है इनका बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिजी है, बहुत ज़्यादा बर्डन है काम का। प्रोफेशन यहाँ पे दो निकल के आए हैं, पहला प्रोफेशन है हीलर, हीलर किसी भी किस्म का हो सकता है, ठीक है, हीलर आपका हो सकता है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या किसी और किस्म की भी फील्ड में हीलिंग हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स डॉक्टर, मेडिकल उनके जो होते हैं मेडिकल फील्ड्स में, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, एनीथिंग रिलेटिंग टू मेडिकल हेल्थ साइंसेस, ठीक है। दूसरा प्रोफेशन है जी बिजनेसमैन, किसी भी किस्म का व्यापार, किसी भी किस्म का बिजनेसमैन, कोई भी होल्ड इनका हो सकता है अच्छा खासा बिजनेस पर, ठीक है, लेकिन ये भी इनका प्रोफेशन है। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बिजी पर्सन, बहुत ही बिजी है, अन्य दिन रात इसका काम है बस काम काम काम, दैट्स इट, ठीक है। पॉसिबल आपको टाइम भी इतना ज़्यादा ना दे, आपको गुस्सा आ जाए, और फिर आपके पास कभी कभी अनबन भी हुआ करे, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लें, मे बी आप जानते हैं इनको या नहीं जानते, को अभी लग जाएगी समझ। लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑल राइट जी, हमारे पास डब्ल्यू वी क्यू जी आर एन एस यू, ठीक है जी। ये देखिए जी, ये सन भी बन चुके हैं, सन कार्ड भी आया था, ठीक है, तो कोई सन से इनका कोई नाम हो सकता है जिसका मीनिंग सन हो, सन से रिलेट करता हो, पूरब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आफ्ताब हो सकता है, खुर्शीद हो सकता है, आई डोंट नो, जो भी है, सो
क्वेश्चन से रिलेटिंग हो सकता है, इनका नाम आकाश हो सकता है, ये तो वैसे नहीं आया, आई डोंट नो मैंने क्यों कह दिया यहाँ पर, रवि हो सकते हैं, विक्रम हो सकते हैं, विकी हो सकते हैं, कासिम हो सकते हैं, और क्या है यहाँ पर नाम, राहुल हो सकते हैं, और क्या नाम है, ऋषि, एनीथिंग वो लोग देख लें जो भी है, ठीक है, अपने ख्याल रखेंगे, बाय बाय, ठीक है, लव यू। हेलो वेलकम ग्रुप टू, ये वाले नए मनीषियल्स हैं आपके, आइए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है गाइज। बहुत शॉर्ट शॉर्ट मेरे आज रीडिंग में है, ठीक है, मतलब तीन कार्ड्स मैं निकालूंगी, आप कैसे मिलेंगे, फिर होगा जी आप कब मिलेंगे, फिर होगा उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, हर चीज़ के लिए डिफरेंट कार्ड मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, तो आपको रीडिंग के साथ साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट स्पेसिफिक हो जाता है इस तरह, यू नो दिस रीडिंग इज़ मोर स्पेसिफिक दैन जब हम सारे कार्ड इकट्ठे निकाल लेते हैं। ओके सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू। ओके सेवन ऑफ कप्स, पहले मैं निकाल रही हूँ कि ये कौन है, ठीक है, एस ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। गाइज किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है, ये पर्सन वो है कि आपको शायद बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई गई थी, उनमें से एक है, ठीक है, उसके साथ ही आपका बनेगा, उसी के साथ ही आपका आगे रिलेशनशिप चलेगा, मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको इनसे मिलवाया था या आपको खुद मिले थे, बहरहाल जब आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं या जो भी है, इन्हीं में से एक ही होंगे, ठीक है। या फिर दूसरी बात यह है कि ये इंसान वो है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को रिन्यू कर लोगे, फोर ऑफ सोर्स मीन हीलिंग, जब आप बिल्कुल हीलिंग फेज़ में जाओगे ना, हीलिंग फेज़ मीन वो हीलिंग फेज़ मीन जब आप इनसे अपने जो ये दुखों वाले फेज़ से गुजर रहे हो, जब आप इस फेज़ को ख़त्म करके, इस फेज़ को यू नो एंड करके, जब आप आगे जाओगे लाइफ में, अपनी आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, तो ये बंदा या बंदी आपको मिलेगा, ठीक है, सो वंस ये एक न्यू रिलेशनशिप होगा एंड यू नो न्यू पैशन आई आपकी ज़िंदगी में लेकर के आएगा, एक नई यू नो एक न्यू लव लेके आएगा, ठीक है, एक नया ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में और एक नई पोटेंशियल, बहुत इज वेर सच अ पोटेंशियल बीइंग कि यू नो दूसरी बात यह है कि इंसान की दूसरी पहचान, बड़ी पहचान ये है होगी आपके सोलमेट की कि ये आपसे बहुत इंस्पायर्ड होगा, इसको आप बहुत पसंद होगे, समझे मेरी बात, कोई भी आपके बारे में इनसे पूछेगा तो कहेंगे कि शी या ही, आप जो भी जेंडर है, वेरी स्किलफुल, टू मच टैलेंटेड, जो भी उनसे तारीफ बन पड़ेगी ना, चाहे झूठी करें लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। ऑलराइट लेट्स सी हाउ यू विल मीट, कैसे मिलेंगे आप इनको। हाउ यू विल मीट देम, अच्छा जी, टेन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, रियली सीरियसली सीरियसली, अच्छा जी, अच्छा मिलेंगे आप इस तरह कि आपको लाइफ में एक कुछ ऐसा आएगा आपकी ज़िंदगी में, कभी आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, आप पे एक टफ़ टाइम आएगा, वो इसीलिए आएगा क्योंकि इन्होंने ऐसे हीरो की तरह एंट्री करके आपकी मदद करेंगे, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, आपका कोई इमोशनल ड्रेनेज हो सकता है, आपका कोई ब्रेकअप हो सकता है, पास्ट लवर आपको छोड़ के चला गया, आप एक यू नो नाइन ऑफ वांड्स बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हो, आप फैमिली ट्रबल में हो, आप पे बहुत ज़िम्मेदारियां हैं, बहुत बर्डन है आप पे, ऐसे कमर झुक चुकी है आपकी, ज़िम्मेदारियां निभाते हैं दुनिया से लड़ते, ये सब जब आप बिल्कुल इस सारी सिनेरियो के एंड पर होगे, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी हेल्प करने आएगा, ठीक है। अब ये किस तरह आएगा, यहाँ पे इंटरनेट की इतनी वाइब नहीं है, इंटरनेट के थ्रू ये पर्सन नहीं मिलने वाला आपको, ये आपको खुद ही मिलेंगे बाहर कहीं,
यहाँ पर वर्क की भी वाइब नहीं है कि वर्क के थ्रू मिलेगा, नो, दिस पर्सन विल मीट यू एनीवेयर, कहीं पर भी इंसान आपको मिल सकता है, मार्केट में मिल सकते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं, आपके किसी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं उनका दोस्त हो सकता है, आपके दोस्त का दोस्त हो सकता है, या आपको फिज़िकल लाइफ में मिलेंगे, 3D वर्ल्ड में मिलेंगे, इंटरनेट या इस तरह के थ्रू ही नहीं मिलने वाले, ठीक है? बहरहाल कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब मिलेंगे, एस ऑफ सोर्ट्स, वाह, टू ऑफ कप्स, जस्टिस, ठीक है, आपके 50% लोगों के सिलसिले केस में आप लोग मिल चुके हो, ठीक है, लेकिन अगर आप मिल चुके हो तो यहाँ पे इंटरनेट की वाइब आई है, इंटरनेट के थ्रू मिले थे, ठीक है, बट अगर आप नहीं मिले हो तो एस ऑफ सोर्ट्स कहता है कि बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, विद इन 1 ईयर, उससे भी कम, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप, जस्टिस कार्ड कहता है कि आपने पॉजिटिव वाइब्स को नहीं छोड़ना, आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी जो आपको समझाया गया है ना, पॉजिटिव रहना है, ये रहना है, वो रहना है, हाई वाइब्रेशन रखनी, ये चीज़ नहीं छोड़नी, ठीक है, ये छोड़ दी तो गए काम से, जो थोड़ी बहुत मैनिफेस्टेशन हुई भी है लाइफ में वो उससे भी जाओगे, काफ़ी हालात नाजुक हैं आपके पायल के, हाँ हालात नाजुक हैं, बट यू नो डिटर्मिनेशन से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक कह रही हूँ ना, चले जीत की पर्सनैलिटी देख लें, उसके बाद हम प्रोफेशन देखेंगे, आप शायद जानते हैं इनको, ये पर्सनैलिटी में है जी 9 ऑफ कप्स, ओ एम्प्रेस, वाओ, प्रिंसेस ऑफ सोर्स, काफ़ी ये या शाह पसंद है, शाह शाह तबीयत है, नवाबी तबीयत है, ठीक है, चीज़ महंगी महंगी चीज़ें पसंद हैं, एंड यू नो बैठ के खाना पसंद है, लेकिन ये कमाता भी है, सर खुद कमा के खाता है, लेकिन इसको ये पसंद है कि लेविश लाइफ स्टाइल होना चाहिए, यू नो ये जो सोच है, यू नो लेविश लाइफ स्टाइल, बिग मैंशंस, बिग कार्ड्स, बिग ये चीज़ें, बिग वो चीज़ें, बिग बिग चीज़ें पसंद है, आप भी उनको बिग बिग की पसंद होगी, आप भी चीज़ें जो बिग बिग की उनको पसंद होंगी, ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग, एनीवेज जो भी है, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ, लविश लाइफ स्टाइल पसंद है, महंगी गाड़ी हो, महंगी कपड़े हो, ये सब चीज़ें उनको पसंद है, बहरहाल ऐसी पर्सनैलिटी है, ठीक है, लेट्स सी कि आप प्रोफेशन क्या है, मे बी यू नो दैम, कौन है जी ये, 8 ऑफ पेंटिकल्स, प्रोफेशन, आप समझ आई क्यों लविश लाइफ स्टाइल पसंद है इनको, 10 ऑफ कप्स, वाह गाइस, प्रोफेशन में ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है, डिज़ाइनर किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर, ज्वेलरी डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, किसी भी किस्म का डिज़ाइनर, पेंटिंग हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, किसी भी किस्म का ये आर्टिस्ट है, रंगीन मिजाज है काफ़ी, ठीक है, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा लाइफ में काम करता है, चाहे इसको दिन में रात में उठ के काम करना पड़े, चाहे इसको दिन में काम करना पड़े, चाहे इसको जो मर्ज़ी, वो जिसे हम अपने स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं जब मर्ज़ी दौरा पड़ जाना, तो यू नो इनको जब मर्ज़ी दौरा पड़ जाता है, काम काम, सॉरी और भी कुछ ज़्यादा नहीं स्लैंग बोल रही, एनी वेज बहरहाल जब मर्जी उठ के बंदा काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है, पागलों की तरह, तो लेकिन खुद के कमाए सारे पैसे हैं, लेकिन 10 ऑफ कप्स कहता है कि फैमिली को खुश रखेगा, काम का मतलब ये नहीं कि आप फैमिली वाले बेचारे मुँह देख रहे हैं उनका, बैठ कर वो काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बच्चों की अपनी जगह है, बीवी की अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ये दिस पर्सन इज़ टू मच वर्कहोलिक, काम के टाइम काम, काम मोहब्बत के टाइम मोहब्बत, बच्चों के टाइम बच्चे, ठीक है, तो बहरहाल 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि इनका प्रोफेशन कुछ इस तरह है कि पार्टीज अरेंज करना, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट, कुछ फैशन इंडस्ट्री, कुछ यू नो इस तरह के फील्ड से हैं, आई डोंट थिंक सो कि साइंस से हैं या बिजनेस पॉसिबल हो सकता है, करते हो साइड बिजनेस, लेकिन इनका मेजर वर्क ये है जो यू नो मेन काम होता है वो यही है, ठीक है जी, काफ़ी डिटेल्स आपको आपके सोलमेट की तरफ से मिली है,
आपकी नेम इनिशियल्स उनके देख ले ताकि आपको कंफर्म हो जाए अगर आप उनको जानते हो. कंफर्मेशन 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 तानी मनीषा. ऑल राइट नेम इनिशियल्स है जी यहाँ पर बी जी जे जी जी दो दफ़ा है जी एंड जी का कपल भी है यहाँ. एल डी जी आई ओके जी ठीक है. ये जी इनके नाम नेम इनिशियल्स हैं मे बी यू नो दैम एंड ठीक है. अपना ख्याल रखेंगे. बाय बाय लव यू टेक केयर.